हेलो दोस्तों दोस्तों आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर ही दिया। और दोस्तों पिछले 24 घंटे में रूस के 2 लाख सैनिक और 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमान यूक्रेन की सीमा में घुस चुके हैं। और दोस्तों रूस ने अब तक यूक्रेन के 70 से ज़्यादा मिलिट्री कैंप को नष्ट करने का दावा भी किया है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इस युद्ध का आखिर कारण क्या है? तो दोस्तों हमें यह जानने से पहले यह जानना होगा कि नेटो क्या है। तो दोस्तों दरअसल जब वर्ल्ड वार सेकंड का अंत हुआ तो दोस्तों उसके कुछ समय बाद ही दुनिया कोल्ड वार के संकट से जूझने लगी। और दोस्तों पूरी दुनिया लोकतांत्रिक और साम्यवाद देशों में डिवाइड होने लगी, जिसमें सोवियत रशियन यूनियन के देशों ने साम्यवाद साइड को चुना और इस तरह स्थापना हुई यूएसएसआर की। दोस्तों उसके बाद यूएसए और उसके कुछ साथी देशों ने मिलकर नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, ताकि वो यूएसएसआर से ना मिलने वाले कुछ बचे हुए देशों को अपनी तरफ कर सके। लेकिन दोस्तों उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। दोस्तों 1991 में यूएसएसआर कई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट देशों में डिवाइड हो गया। इसमें यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गेरिया, पोलैंड जैसे देश शामिल थे। और दोस्तों इन देशों ने धीरे धीरे करके नेटो ज्वाइन कर लिया, सिर्फ यूक्रेन के अलावा। दोस्तों अगर नेटो की बात करें तो इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा 30 देश और भी शामिल हैं। दोस्तों अगर कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य एकजुट होकर उस देश का मुकाबला करते हैं। दोस्तों नाटो का मुख्य उद्देश्य ईस्टर्न यूरोप में रशिया के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कंट्रोल रखना है। और दोस्तों यह बात रशिया को बिल्कुल रास नहीं आती। और दोस्तों जब से यूक्रेन ने कहा कि वह नेटो ज्वाइन करना चाहता है, यह बात रूस को एक कांटे की तरह चुभ रही है। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। लेकिन दोस्तों आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह करे बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया।